प्राकृतिक पॉइंट में आपका स्वागत है। विंटर का समय चल रहा है दोस्तों, चारों ओर एक अलग सी रौनक है जो देखने में सच में बहुत कमाल की लग रही है। ये रौनक ऐसे ही बढ़ती रहे इसके लिए आज की वीडियो आई है, जिसमें हम आपको विंटर में कटिंग से तैयार होने वाले कुछ कमाल के पौधे बताएंगे जो बहुत ही कम समय में अपना बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी रूट्स निकालेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे है गुलदाउदी। अभी गुलदाउदी के फूलों के क्या ही कहने दोस्तों, ये आपको कई रंगों में मिल जाएंगे अपनी खूबसूरती बिखेरते हुए। इस समय इनके ऊपर बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होती है और ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं। मैंने इसकी कटिंग को नॉर्मल से प्लास्टिक के कप में उगा रखा है और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी सारी नई नई पत्तियाँ आई हुई हैं। ये हर दिन अपनी एक से दो पत्तियाँ निकाल रहा है, जो सच में बहुत ही अच्छी बात है, और कुछ ही समय में इसके ऊपर ये जो फूल है वो भी खिल जाएंगे। तो आप भी इस समय इसको ज़रूर ट्राई करें और ढेरों पौधे पाएं। नेक्स्ट डहेलिया। ये पौधा अभी हर नर्सरी की जान बना हुआ है। इस समय आप किसी भी नर्सरी में चले जाइए, आपको ये पौधा आसानी से देखने को मिल जाएगा। ये मेनली एक सीजनल प्लांट है जिसके ऊपर बहुत कमाल की फ्लावरिंग आती है। ये आपको हाईब्रिड या नॉर्मल किसी भी वैरायटी में मिल जाएगी, जिसका एक फूल कम से कम आपके पूरे हाथ के बराबर होता है। इसका यही रंग रूप इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इसे खरीदने के लिए उतावले रहते हैं। आप इस समय इसकी ढेरों कटिंग्स को ले सकते हैं। ये बहुत आसानी से इस समय अपनी ग्रोथ करेगा और बहुत जल्दी ही अपनी रूट्स निकाल लेगा। नेक्स्ट है क्लांचो। इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। इस समय आप इसकी ढेरों कटिंग ले सकते हैं। नो डाउट 5 से 6 दिन के अंदर ही आपकी सभी कटिंग्स में रूट्स निकल आएंगे। मैंने इन्हें कटिंग से ही तैयार किया है। इन दोनों को लगाए अभी 1.5 हफ्ते हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना कितना अच्छा ग्रोथ करना शुरू कर दिया। तो आप भी इस समय इसकी ज़रूर कटिंग को ट्राई कीजिए और अपनी बहुत सारे क्लांचों के पौधों को तैयार कीजिए। नेक्स्ट है रोज़। आप इस समय रोज़ की कोई सी भी वैरायटी को बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, पर अगर आप पहली बार रोज़ की कटिंग लगा रहे हैं तो आप इसकी देसी वैरायटी को ट्राई कीजिए। वो बहुत जल्दी लग जाएगी और बहुत जल्दी अपने रूट्स निकालना शुरू कर देगी। देसी रोज़ की जो कटिंग होती है उसके मरने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप पहली बार रोज़ की कटिंग लगा रहे हैं तो आप देसी वैरायटी को ही चूज़ करें। नेक्स्ट है गेंदा। इस समय आप बड़ी ईजिली इसके सीड से इसे उगा सकते हैं, पर इसे बड़ा होने में और फिर फूल देने में महीनों का टाइम लग जाएगा। तो अगर आप जल्दी फूल और पौधा दोनों पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आप अपने किसी पुराने गेंदे के पौधे के टिप को कुछ इस तरह से काट लीजिए और फिर मिट्टी में लगा दीजिए। कुछ ही समय में देखेंगे कि इसमें नई नई ग्रोथ आना शुरू हो चुकी होगी और आपका जो पौधा है वो पूरी तरह से लग चुका होगा। नेक्स्ट है अमरूद। इस समय अमरूद आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, पूरे के पूरे बाजार इन्हीं से भरे हुए हैं। इस समय अगर आप इसकी कटिंग लेते हैं तो बहुत आसानी से लग जाएगी। मेरी इस कटिंग को 17 दिन हो चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि पूरी तरह से मर चुका है, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं इसे हल्का सा खुरचती हूँ तो मैं पाती हूँ कि इसकी जो खाल है वो अभी हरी है, इसका मतलब ये अभी भी जिंदा है। तो आप भी अमरूद के पौधे की कटिंग को जरूर लगाएं। आप देखेंगे 1.5 से 2 महीने के अंदर ही आपके पास अमरूद के ढेरों पौधे हो जाएंगे। नेक्स्ट है विंका। विंका यानी सदाबहार। अभी के समय में आप इसकी कटिंग को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड्स अभी अपने आप पट पट के गिरना शुरू हो जाते हैं। आप चाहें तो आप उन्हें भी कलेक्ट करके पौधा उगा सकते हैं, पर अगर आप इसकी कटिंग को ट्राई कर रहे हैं तो ये बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि कटिंग से बहुत जल्दी आपको फूल मिलना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है पेटोनिया। ये एक सीजनल प्लांट है। विंटर के समय में इसके ऊपर भर भर के फ्लावरिंग आती है। आप इसकी कोई सी भी वैरायटी ले लीजिए, इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। ग्रोथ के क्या ही कहने, अगर आप इसकी कटिंग को ट्राई करेंगे तो पाएंगे कि जो आपकी कटिंग है वो 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ही लग जाएगी और फूल देना शुरू कर देगी। तो आप भी इसकी कटिंग को जरूर ट्राई करें और ढेरों पौधों से ढेरों प्यारे प्यारे फूल पाएं। आज की वीडियो ये खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम इसी तरह की और भी वीडियोज लाते रहेंगे ताकि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें।